लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देख लेना, आई एम टेलिंग यू, यू आर डेफिनेटली गोना विन। मम्मी, डैडी, डैडी, कैसे हो मॉम? मैं ठीक हूँ बेटा। मैंगोज़, आओ मैं आपको किचन दिखाती हूँ, आओ ना। Is everything okay, बेटा? डैडी, अंदर आइए ना, बैठिए ना। इसमें बैठा कैसे जाता है आदित्य, ये समझाओगे मुझे? जी वहां तुम समझते क्या अपने आप को? मेरी बच्ची को इतने थर्ड ग्रेड जगह में रखने की हिम्मत कैसे की तुमने? अंदर चल के बात करते हैं। अच्छा लता जी, पूजा का सामान पैक करो। बट डैड, आई तुमने शादी भाग के की, मैंने कुछ नहीं कहा। ये तो कुछ भी नहीं, संगीता शादी के बाद दो बार भाग गई, ये सोच के मैं मन मना लेता हूं, लेकिन हर चीज की कोई हद होती है। और आदित्य बेटे, अपने बच्चे का तो ख्याल रखो। बस उसी के लिए दिन रात मेहनत करें डैड, एक बार ये कॉन्टेस्ट हो जाने दीजिए। तो कॉन्टेस्ट जीत गया तो हीरो बन गया तो? अरे बाप बेटे के झगड़े में मेरी बेटी क्यों मरे? जान छोड़ो, हाथ जोड़ता हूँ। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? पूजा, एक बच्चे को तकलीफ में देख के बाप पे क्या गुजरती है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप बोलिए डैड, बोलिए। या तो तुम पूजा को हमारे साथ घर भेज दो, या अपने बाप के साथ समझौता करो, अपने घर चले। जी मैं पूजा को लेकर घर चला जाता हूँ। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। पूजा, तुमने इस कॉन्टेस्ट के लिए जितनी तैयारी की है, तुम जरूर जीतोगे। 100% यू विल विन। इट डजंट मैटर। आप मेरे जाइए बस, जिद मत करो। जिद मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। मेरा आदि मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए जो भी कर रहा है वो और कोई नहीं कर सकता। और बच्चे का जन्म कहाँ होगा? म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में? क्या हर नॉर्मल बच्चा 5-स्टार हॉस्पिटल के फर्स्ट क्लास कमरे में ही पैदा हो सकता है? जी नहीं, और जब तक मेरा आदि मेरे साथ है, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। यकीन मानिए पापा, माना कि इस वक्त प्रेग्नेंट मैं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की असली माँ मेरा आदि। What a sacrifice! तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। What a sacrifice! मैंने ईश्वर चंद्र को पहले ही कहा था कि मेरी पूजा आदित्य को कभी नहीं छोड़ेगी। फिर भी उसने कहा, नट्टू ट्राई तो कर उन लोगों को अलग करने के लिए। Impossible, impossible। मना किया था ना बताने के लिए? पूजा को अलग करने के लिए डैड ने आपको यहाँ भेजा है। बाय। डैड ने हमको अलग करना चाहा। He wants to separate us. How could he do that? वो गड़बड़ हो गई। सुमी, मैं इसे गोली नहीं मार सकता हूँ। नहीं। वैसे समझ में नहीं आता कि गड़बड़ कैसे हो गई। मैं तो पैदाइश एक्टर हूँ। अच्छा? हाँ। अरे स्कूल के प्ले में मैंने कुत्ते का एक्टिंग किया था। कुत्ते का एक्टिंग किया था। आज तक प्रिंसिपल टीचर स्टूडेंट मुझे यू 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 करके बुलाते। एक खून चलेगा सुमी, प्लीज एक बार, जस्ट वंस। ये तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हाँ ठीक होगा, नफरत कर रहा होगा मेरा बेटा मुझसे इस वक्त। ये करके बुला। देखो, देखो तुम्हारे फेवरेट मैंगोस, तुम जल्दी से खा लो, तुम्हें जाना भी है ना। अलकत तुम डैड ने भेजे नहीं मेरे लिए, ये मम्मी लेकर आई है, प्लीज। डैड ने भेजे मेरे लिए। वही रंग, वही रूप, वही खुशबू। 27 साल में हर आम के मौसम में मेरे डैड मुझे आम खिलाया करते थे।
Come on, how can I forget this? अच्छी तरह जानता हूँ। आती। माँ, माँ। अंदर तो आओ बेटा। ये, आपकी भेजी हुई भीख। हम कोई रास्ते खड़े भिखारी नहीं है। और इस तरह की मेहरबानी आप लोग ना करें तो बेहतर है। कह देना उनसे। आदि, बच्चे तुम्हें आम अच्छे लगते हैं इसीलिए भेजे थे। मेरे छोटे से परिवार को कोई अलग करने की कोशिश करे ये मुझे हरगिज पसंद नहीं माँ। और रहा इनकी भेजी हुई मेहरबानी का सवाल तो कह देना इनसे कि उनके साथ जुड़े हुए हर नाते को मैं तोड़ रहा हूँ। और वैसे भी आज से मैंने आम खाना छोड़ दिया है। जी 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 आप होल्ड कीजिएगा। अरे हादी 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 फोन फोन है। जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी क्या बोल रहे क्या बोल रहे। हाँ जी हाँ जी बोलिए। नहीं मैं तीन फोटोग्राफ भेज दूंगा। हाँ हाँ ओके ओके ऑलराइट थैंक यू वेरी मच। सॉरी आपके घर आ गया गलती से। मेरे गले लग गया गलती से। मुझे डैडी कहकर पुकार दिया गलती से। तुझे तेरे डैडी से कितना प्यार है उसका बयान दे दिया गलती से। बिल्कुल नहीं, ये तो एक्साइटमेंट में आपके घर आ गया वरना who wants to come in this house? And hello, मैं आपसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ। हाँ वैसे तो मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ
ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश नहीं हूं तुमसे। आप खुश क्यों होंगे? यू लॉस्ट, आप हार गए। हार की मुझे चिंता नहीं, मुझे तो चिंता इस बात की है कि मेरा पार्ट टाइम नौकर जो है वो हाथ से निकल गया। तुम तो नौकरी करोगे नहीं यहाँ पर अब? और मैं साठ हाउस में भी नहीं रहने वाला। ओह, तो मुझे वहां के लिए भी एक नौकर ढूंढना पड़ेगा सफाई के लिए। वैसे भी आजकल नौकर, अच्छे नौकर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सही कहा आपने, और मुझे तो और मुश्किल से मिलेंगे क्योंकि मुझे एक खास किस्म के नौकर की तलाश है ना, खास किस्म के। ईश्वरचंद नाम के नौकर। रख लेना आदि, इसी बहाने तो मुझे याद भी कर लेगा। तो बिल्कुल नहीं रखूंगा नहीं, आपको मैं अपने घर आने दूंगा। कैंसिल, ये नया खेल कैंसिल, मुझे आने दे, अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए ही सही। Come on. I hate you, Dada. I just hate you. मैं कभी एक जिम्मेदार बाप नहीं बन सकता, यही कहते थे। I promise I'll prove you wrong. मेरा बच्चा मुझसे कभी ये नहीं कहेगा कि अगर परवरिश नहीं कर सकते तो मुझे पैदा क्यों किया। मैं उसे दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा। I'll give him everything. मैं उसे, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? आप क्या जाने कि बाप के दिल में बच्चे के लिए कितना प्यार होता है? आप क्या समझेंगे? हाँ होता है। हम तो तुम्हें आम के पेड़ से तोड़ के लाए थे ना, इसलिए बाप बनना किसे कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं पता आपको। मानता हूं कि मैं गैर जिम्मेदार था, लेकिन मेरी गैर जिम्मेदारी का कारण कौन? आप। मैं सिर्फ आपकी उंगली मांगता था संभल के चलने के लिए, और आप खुशी खुशी अपना हाथ दे देते मुझे। बाद में दोष किसका निकाला गया? मेरा, कि मैं भटक गया, मैं खराब हूं। लेकिन मुझे मेरे पैरों पे चलने दिया होता तब ना, बस हमेशा अपने कंधे पे बिठा के मुझे ऊपर से ही दुनिया दिखाते रहे। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा, उसकी सही परवरिश करूंगा। और उसके बावजूद भी अगर वो बिगड़ गया या भटक गया तो उसे वक्त दूंगा ताकि वो अपने आप को सुधार सके। आपकी तरह नहीं कि उसे और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को घर से बाहर निकाल दो, उसे अपना दुश्मन समझकर बात बात पर जलील करो। मियां बीवी को अलग करने की कोशिश तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। इतनी चीप गेम पे उतरा है वो डैड। आप कीजिए ना अदल बदल, आप मेरी जगह आइए, मैं आपकी जगह आता हूं, पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है। आदि, मैं तो खुशी खुशी तेरी जगह खड़ा हो जाऊं, लेकिन तुझे अपनी जगह खड़े होने को मैं कैसे कह सकता हूं? क्यों आदि, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ठीक कह रहा। मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा था। तुझे सुधारने के लिए मुझे और धीरज से काम करना चाहिए था, तुझे और वक्त देना चाहिए था। गुड बाय डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी सफाई ना आपका वक्त। वक्त देने के लिए वक्त होना भी तो चाहिए मेरे पास। अपनी जिंदगी से मुझे मत निकालना थी, मैं तो वैसे भी जा रहा हूं हमेशा के लिए। थैंक यू पूजा, ये एक्स्ट्रा पासेस हैं, किसी और को बुलाना हो तो। मम्मी पापा आ रहे हैं। उनके अलावा किसी और को? माँ और डैडी। माँ को बुला लो। और डैडी? मुझे नहीं बुलाना उनको। माँ के लिए आएंगी? डैडी के बिना गई है कभी? समी, तुम जा, आदि आदि हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैं आपके बगैर कभी कहीं गई हूं। तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी समी,
आदत डालनी पड़ेगी। तो इशू आपको लड़ना होगा। आदि का आज फाइनल राउंड है इशू, आपको उसे जीतते हुए नहीं देखना। मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ले चल। समय समय बहुत बहुत कम है, मैं एक बार आदि को मिलने जाता हूँ। ईश्वर चंद्र, घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा? बेटी मैं नहीं बुला रहा उन्हें, अगर वो आना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं बुला रहा है। ओके। फोन क्यों काट दिया? अरे जब तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो व्हाट्स द पॉइंट? देखो अगर वो आना चाहे तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा उन्हें। अच्छा, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम डैडी पर इतना बड़ा एहसान कर लोगे ना, तो एक छोटा सा एहसान मुझ पर भी कर दो। अपने आप से सच बोलना सीखो आदि, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे। Just admit it. इतनी छोटी सी तो बात है।